मैं ये खत आपको इटली से, मतलब आपके भविष्य से लिख रहा हूँ। अब हम जहाँ हैं, कुछ दिनों के बाद आप भी वहाँ होंगे। कोरोना पूरी दुनिया में अपने ही खास अंदाज में फैल रहा है, इसलिए आपका सफर भी हमारे ही तरह होगा। कोरोना की चपेट में हमारा समय आपसे आगे है, जिसे वुहान था कुछ हफ्ते पहले। हमने वैसा ही बर्ताव किया था जैसा आप सभी कर रहे हो। हम में भी वो दो तरह के लोग थे, जिसको समय की गहराई का पता था और जिनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक तरफ सरकार ने दी हुई नियमों का पालन करने वाले लोग, और दूसरी तरफ ये तो एक सामान्य फ्लू है, इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। पर जल्द ही ये विवाद भी पीछे चला जाएगा। आप रोज अपने घर चिबर कर खाएंगे, क्योंकि आपको करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आपके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लेंगे। अलग अलग दर्जनों सामाजिक नेटवर्किंग ग्रुप्स यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आप एक अहम हिस्सा बनेंगे। शुरू में रुचि रखने वाले इन कामों को आप पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। आप अपने बुकशेल्फ से पुरानी मशहूर किताबें पढ़ने निकालेंगे, लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि वास्तव में आपका पढ़ने का मन नहीं है। आप फिर खाएंगे, लेकिन इस बार आपको नींद नहीं आएगी। आप खुद से पूछेंगे कि ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। आप मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्क्वाइप, Zoom, ऐसे बहुत सारे ऐप बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। आप में से वयस्क लोग आपके बच्चों की याद करेंगे, जैसा कि आपने पहले कभी नहीं किया था। ये एहसास कि आपको कोई अंदाजा भी नहीं है कि जब आपको पता ना हो कि आपके ही बच्चे आपसे, आपके सीने से फिर से कब लपेट कर कब आपके छाती को मुक्का मारे। पुरानी नाराजगी, झगड़े, विवाद आप बहुत छोटे लगने लगेंगे। जिन लोगों को जिंदगी में कभी भी बात नहीं करेंगी ऐसी आपने कसमें ली थी, उनसे आप प्यार से बातें करेंगे। आप उन्हें फोन करेंगे। बहुत सारी महिलाओं को पीटा जाएगा। कम से कम हम तो हमारे घर पे सुरक्षित हैं, लेकिन उनका क्या कि जिनके पास घर नहीं, ऐसा भी आप सोचेंगे। सुनसान गलियों में खरीदारी करते वक्त आप असुरक्षित महसूस करेंगे, खासकर अगर आप एक महिला हैं। संस्कृति का विनाश ऐसे ही चीजों के कारण होता है क्या? क्या ये वास्तव में इतनी तेजी से होता है? क्या इसी को युगांत कहते हैं? ऐसे ही विचारों को रोकने का आप प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसे सवाल आपको झकझोर देंगे और फिर वापस आप घर आकर अपने काम में लग जाएंगे। आप बहुत सारी चीजों पे हंसेंगे, आप किसी भी चीज पे हंसेंगे, आप पेट में दर्द होने तक हंसेंगे, लेकिन आपके हंसी पर निराशाओं की चादरें होंगी। आपके बाजार जाने का समय आप प्रियजनों, दोस्तों के साथ तय करेंगे, क्योंकि इसी वजह से तो सही आप उनसे मिल सकेंगे, ये आपकी आशा होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अधीन रहकर। आप उन सभी चीजों को गिनेंगे जिनको आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको आसपास के लोगों का वास्तविक स्वरूप आपको समझ में आएगा। गलतफहमी दूर होकर कुछ लोगों के बारे में जो शंका थी वो यकीन में बदलेगी, और कुछ लोगों के बारे में आपको ताज्जुब होगा। समाचार अखबारों में सर्वव्यापी हुए साहित्यकार अचानक यकायक गायब हो जाएंगे। कुछ विद्वान लोग तर्कहीन लगने लगेंगे, उनकी राय आप सुनना बंद करेंगे, और जिन लोगों का मजाक आपने उड़ाया था, जिनको आपने अनदेखा कर दिया था, वे आश्वस्त, उदार,
अविश्वसनीय और स्पष्टवादी लगेंगे। कुछ लोग इन सभी हालातों को एक नया दृष्टिकोण देंगे। इन सब की वजह से पर्यावरण के होने के फायदे बताएंगे और आप उन सब के साथ एक पल के लिए सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन अगले ही पल उनका आपको गुस्सा आएगा। पर्यावरण वगैरह सब ठीक है, लेकिन मेरा घर मैं कैसे चला, मेरे बिल में कैसे उसको चुकता करूं, मेरा खर्चा पानी कैसे चला, ये सोच आपको दिन रात सताएगी। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस नई दुनिया के जन्म का साक्षी एक सुखी व्यक्ति है या एक दुखी व्यक्ति है। आप आपके आंगन में, गैलरीज में, खिड़कियों पे आके गाना गाएंगे। जब आप हमें बालकनी से गाते हुए देखा था, तब आपने सोचा था कि ये क्या लोग हैं, पर हमें पता है आप एक दूसरों के लिए उत्थान के गीत गाएंगे, उन्हें प्रेरणा देने के लिए, और फिर आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। आप में से कई ऐसे लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद डिवोर्स की अर्जी देंगे, कई लोग अलग होंगे, कई महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, आपके बच्चे ऑनलाइन स्कूल जाएंगे और वे भयानक उपद्रवी होंगे, लेकिन खैर ये अनुभव भी आपको खुशी देगा। घर के वयस्क लोग पहले से ज्यादा जिद्दी होंगे, वे बाहर जाने के बाद उन्हें संसर्ग होकर उन्हें बीमारी लगेगी, ये आप उन्हें समझाएंगे, पर वो आप पर ही गुस्सा होंगे। आप आईसीयू के अंदर अकेली मौतों के बारे में ना सोचने की कोशिश करेंगे। आप गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सभी चिकित्सा कर्मचारियों के कदमों को सजाने, उनके आभार प्रकट करने का आपका मन करेगा। उनके लिए आपके दिल में इज्जत और भी बढ़ेगी। सबका मिलके एक सुर बनेगा। आखिर इंसानियत यही आखिरी धर्म है और यही सच होगा। हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में, आर्थिक स्वरूप में काफी फर्क पड़ेगा। सुंदर बागीचों में रहना और भीड़ भाड़ के आवास में रहना, इसमें फर्क तो होगा ही। घर से काम मिलना, लॉकडाउन की वजह से काम बंद होना, नौकरी गंवाना, यह भी पहले जितना समान नहीं होगा। वह कश्ती जिसमें हम सब एक साथ हैं, वो कश्ती सबके लिए बराबर नहीं है, नहीं, वो कभी नहीं थी। एक बिंदु पे जाके आप महसूस करेंगे कि ये सब कठिन है। आप भयभीत हो जाओगे। आप अपने प्रियजनों के साथ इस डर को, इस भय को साझा भी करोगे, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप के पास ही ये सोच रखेंगे ताकि उन्हें भी इसका बोझ ना हो। हम इटली में हैं और ये आपका भविष्य है और हमारा वर्तमान। हम इतनी दूरदृष्टि तो नहीं रखते, लेकिन ये हमारे अनुभव है और ये हमारे तजुर्बे के बोल हैं। हम इस भविष्य के आगे जाकर सोचेंगे तो आप ही की तरह, वो हमें भी पता नहीं, लेकिन आपको हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये जब सब खत्म होगा तब दुनिया पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगी। एक नई, एक दूसरी, एक बदली हुई दुनिया होगी। एक नई, एक दूसरी, एक बदली हुई दुनिया।